तारीख को एक दिन की भूख हड़ताल पर जितने लोग आ सकेंगे पूरे कुमाऊं का प्रतिनिधित्व होगा। 10,000 मिनिमम अवश्य होंगे, क्योंकि उसके पड़ोस में जहां बन रहा है वो लालकुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी इसमें जुड़ती हैं। होंगी तो होगा, ये एक टोकन विरोध होगा सरकार के खिलाफ, आप विकास कार्य कर तो सके नहीं, इन्हें रोक रहे हैं। और ये वहां की आवश्यकता शहर की, आप इस समय का वो देखिए बस अड्डा, न बरसात में खड़े हो सकते हैं, न धूप में खड़े हो सकते हैं, न ठंड में खड़े हो सकते हैं। लोगों का आवागमन तो बस से ही है अधिकतर, तो बस से जाने वाले यात्रियों के लिए भारी कष्ट है, इसलिए ये बनवाया था। यदि मुझे पता होता कि भाई जल्दी सरकार परिवर्तन हो रही तो पहले मैं बस अड्डा बनवा लेती, फिर खेल का स्टेडियम बनवाती, पर मैंने खेल का स्टेडियम पहले बनवा दिया, तो मैं आज सोच रही हूँ बस अड्डा पहले बनवा लेना चाहिए था। SBT ये उत्तराखंड के द्वार हल्द्वानी में बनना था, 80 करोड़ की योजना थी, इसमें 3.5 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे, और मैंने ये घोषणा की यदि आपने इसे बंद किया या रोका तो महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पर 30 जनवरी को मैं हजारों लोगों के साथ भूख हड़ताल पर बैठूंगी, जिसमें पूरे कुमायूं के प्रतिनिधि होंगे, ये कुमायूं की भूख हड़ताल होगी। चौथा सवाल सर, मैं इंदिरा जी ये मत समझे कि वो सिर्फ हल्द्वानी की ही विधायक है, वो नेता प्रतिपक्ष है, और हल्द्वानी की राजनीति से ऊपर उठकर उनको राज्य के हित में और कुमाऊं मंडल के लोगों के हित में सोचना पड़ेगा। राज्य सरकार ने जो भी फैसला लिया है हल्द्वानी में ISBT को लेकर, वो व्यापक हित में लिया है, वो किसी राजनीतिक से प्रेरित होकर नहीं लिया है।